वालों ने ये अच्छा किया कि उनके थ्री हंड्रेड मारे। आज हम कल रात को न्यूज़ देखी है कि नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि एक पायलट वहां से आने वाला था, एक पाकिस्तान ने अपना क्रैश किया और जो इंडिया का पायलट था वो पाकिस्तान की कंट्री में गिर गया। नरेंद्र मोदी कहते हैं अगर आपने हमारा पायलट वापस कर दो, अगर आपने नहीं दिया तो हम आपका ही पूरा देश ख़त्म कर देंगे। उन्होंने ये अच्छा किया, पर सारे उनका वेट कर थे इतनी देर के बाद सबको खुशी हुई, इनकी मम्मा पापा को, उनके बच्चों को बहुत अच्छा लगा सबको, पर उनकी ये अच्छी बात नहीं थी पाकिस्तान की। वो आए तो वो अच्छा था, वो सबसे अच्छा था, पर उन्होंने ये नहीं अच्छा किया हमारी कंट्री के मारे, ये उन्होंने सबसे अच्छा गंदा किया। पर इंडिया वालों ने सबसे अच्छा किया कि उनके थ्री आंदे मारे। That's good. Okay. तो आपको कैसा लगता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, तो आपको क्या लगता है उनके बारे में, वो ठीक हैं या नहीं है? मुझे लगता है वो ठीक है, पर वो अपना इंडिया का देश मिटने नहीं देंगे। पाकिस्तान वो कुछ भी करके पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो सोल्जर्स हैं उन्हें खत्म कर देंगे और पाकिस्तान को अपनी कंट्री में नहीं आने देंगे। ओके लेकिन आपको क्या लगता है ये जो हमारे इतने सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, ये जो लड़ाई हो रही है, क्या ये ठीक है? ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है, दोनों देशों को आपस में प्यार से बातचीत करनी चाहिए या लड़ाई का रास्ता अपनाना चाहिए? उनको दोनों से मिलकर है, पर पाकिस्तान ने पहले ही उन्हें था, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं, ये हमें समझ ही नहीं आया क्यों किया। स्टार्टिंग से हमने यहीं से स्टार्ट किया था। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए? पर सुनिए, जो एक बार मर गया वो कभी नहीं जागता। कभी नहीं जागता, वो कभी नहीं उठता। अच्छा, कभी नहीं जाता वापस, कभी नहीं जाता? नहीं, वापस मतलब जो एक बार बन जाता है वही रहता है फिर लाइफ टाइम, यही बोलना चाहते हो? हाँ, मिलिटेंट तो मिलिटेंट ही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पर जब वो मर जाते हैं वो उठते नहीं है। अच्छा अच्छा, और जब सोचो अगर पाकिस्तान ने उनको मारा था तो उनके बच्चों को कितना सैड फील हो रहा होगा। यस, कितना सैड फील हो रहा होगा। यस, यू आर राइट। उनकी मदर को भी कितना हो रहा होगा। यस, पूरी फैमिली को कितना सैड फील हो रहा होगा। तो आप हमें एक बात बताइए, जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन साहब हमारी कंट्री में आए, उस टाइम आप क्या कर रहे थे? उस टाइम हम सो गए थे। तो आपने देखा नहीं उनका वेलकम, देखा नहीं इंडिया में उनका वेलकम कैसे हुआ? हम सो गए थे, हम छुपके छुपके देख रहे थे। छुपके छुपके देख रहे थे आप? हम ब्लैंकेट भी नीचे बड़े सरा के करते थे, तभी मैं ब्लैंकेट थोड़ा सा नीचे कर, अपनी लैग नीचे करती हूँ, थोड़ी छोटी से देखती हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी हाल में पाकिस्तान को मार सकती हूँ। मैं किसी को ना होश नहीं मरने दूंगी, ना ही इंडिया को मरने दूंगी, मैं कुछ नहीं दूंगी। अच्छा, तो बाघा बॉर्डर पे जो वेलकम उनका हो रहा था वो आपने देखा नहीं, इसका मतलब? हाँ, हमने देखा था, हम उनका वेलकम बहुत ज्यादा हो रहा था और सबको बड़ी खुशी हुई थी। अच्छा, उनके मदर फादर नहीं दिखाई गए, उनके मदर और उनके बच्चे नहीं दिखाई गए थे। ओके।